नेक्स्ट कैसे स्टेप्स होंगे उसको, उसकी सेटिंग्स कैसे होंगी, और मोनेटाइजेशन और कब ऑन होगी, और ये सब डिटेल्स वाइज नेक्स्ट वीडियोस में भी आएंगे। पर इस वीडियो में आपको मैं चैनल क्रिएट करना बता दूंगा और उसकी तमाम सेटिंग्स इस चैनल में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सॉरी, इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें, ठीक है। उसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज को यहाँ से आकर लाइक कर सकते हैं। ये ऊपर जब आप यहाँ पे आएंगे मेरे चैनल में तो ये ऊपर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप मुझे गूगल प्लस, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे कुछ चैनल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो मैं इनको साइन आउट कर लेता हूँ। तो जब आप सिंपल यूट्यूब में आएंगे तो आपका ऐसे आपको यहाँ पे वीडियोस वगैरह दिखने लग जाएंगी और आपका कोई चैनल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जीमेल की आईडी चाहिए। जीमेल जो कि आजकल तो सब लोगों के पास होता है और जीमेल का पता है सब लोगों को। फेसबुक की आईडीज जीमेल पे बनती हैं, उसके अलावा आपका प्ले स्टोर का अकाउंट वगैरह भी जीमेल पे ही बनता है, और जीमेल काफ़ी ज़रूरी है। तो ज़्यादातर लोगों को जीमेल का पता होगा, इसलिए जीमेल का मैं इतना नहीं यहाँ पे बताऊँगा। इसके लिए बस ओनली आपको जीमेल का आपका अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो का अकाउंट होगा वो 18 से, उसमें एज जो है वो 18 से अबव रखिएगा, ठीक है। तो साइन इन पे आ जाना है आपने, सिंपली यहाँ पे आपके साइन इन आएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये देखें, जो मैंने जो अकाउंट मेरे जीमेल का चल रहा था उस पे सिंपली ये ऑन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऐसे ही ऑप्शंस आ जाएंगे जब आप इसको दबाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे भी आ सकता है, तो आपने क्रिएटर स्टूडियो पे चले जाना है। तो आपको ऐसे ये इंटरफेस इसका दिखेगा, तो आपने ये क्रिएटर चैनल पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद आप यहाँ पे ये नाम शो करवाएगा जो कि आपने अपना जीमेल का रखा होगा। मैंने मोहसिन रहमान रखा है, तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हम जो आप चैनल का नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक हेल्थ का चैनल, वो तो आप आपने बनाना है, जिस रिलेटेड भी जो भी आपने अपने चैनल का नाम रखना है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे कि मैं कोई टेक चैनल अगर रखना हो तो वो लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे इस वक्त माइंड में आया तो मैंने सिंपली रख दिया आपको दिखाने के लिए। क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका चैनल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ सेटिंग्स हम करेंगे, तो वो मैं आपको आज करके ही इसमें इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, पहले तो आपने माय चैनल में आ जाना है। तो ये देखें, यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, चैनल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने चैनल डिस्क्रिप्शन एक लिखनी है। डिस्क्रिप्शन से मिसाल के तौर पर आपने, जैसे आपका एक टेक चैनल है या जो भी चैनल है उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ और आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने एक और काम करना है, जो आपका यहाँ पे आप लिखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। उसके बाद आप अपने चैनल का ये लिंक जो है माय चैनल में जब आप आते हैं तो यही आपके चैनल का लिंक होता है, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना माई चैनल लिंक, और उसके अलावा नीचे आपने अपने सोशल लिंक, इसी चैनल के सोशल लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी
आप गूगल प्लस का यहाँ पे सोशल लिंक्स भी अपने देंगे, तो ऐसे आपकी एक प्रॉपर और अच्छी डिस्क्रिप्शन बनेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिखाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये डन कर देना है यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन लिख के। उसके बाद हम यहाँ पे आइकन चूज करेंगे अपने चैनल का, उसके बाद और इसका कवर, ठीक है। तो ये बेहतर है कि आप फोटोशॉप से इसको बनाएं किसी तरह और खूबसूरत बनाएं और एक अपना कंटेंट बनाएं, मतलब कि आपका अपना ओरिजिनल हो। फिलहाल तो आपको मैं गूगल से पिक करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पे आप अपने गूगल जो आपकी आईडी होगी उसमें ही आ जाएंगे, अपलोड करेंगे डाउनलोड्स। तो यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपना कुछ आप बना के, मतलब कि अपना चैनल का एक ब्रांड बनाएं, ठीक है। तो वो उसका कोई आइकन अपना बनाएं, गूगल से नहीं आपने पिक करना, कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली आके अपलोड कर देना है जो भी आपने आइकन रखना है अपना। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, फाइल ज़रा हैवी थी, तो हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ऐड आ चैनल आर्ट, ठीक है। ये बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे आपका फोटोशॉप में आप जो चार्ट बनाएंगे इसका आर्ट बनाएंगे, सॉरी बैकग्राउंड आर्ट बनाएंगे, उसका साइज़ होगा 2560 और ये, ठीक है, और मैक्सिमम साइज 6 MB का होना चाहिए। तो मैंने एक डाउनलोड की है पिक्चर, देखते हैं वो यहाँ पे लग जाती है कि नहीं। तो अपलोडिंग हो रही है, तो ये अपलोड हो गई। उसके बाद डेस्कटॉप में आपको ऐसे दिखेगा, टीवी और मोबाइल में। इसके अलावा आप यहाँ से एडजस्ट करके इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी सिर्फ सिंपली आपको गाइड करने के लिए कि आपने यहाँ पे कैसे जो है आर्ट को अपलोड करना है, इसलिए आपको मैंने ये समझाया है। तो ये भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो आप हमने सिंपली इसको डन कर देना है। इसके अपलोड होने के बाद आपका जो YouTube का आइकन है वो कुछ देर लेगा शो होने में, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। क्रिएटर स्टूडियो में आ जाना है आपने, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको अपनी वीडियोस वगैरह की डिटेल्स मिलती हैं जब आप पहली अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। उसके अलावा वीडियो मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियोस शो होंगी, प्लेलिस्ट होती है, जो हम प्लेलिस्ट बनाते हैं अपनी, लाइव स्ट्रीमिंग को हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद कम्युनिटी में आ जाते हैं, कम्युनिटी में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो कमेंट्स होते हैं वो शो होते हैं। उसके बाद चैनल में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक वेरीफाई ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और सिंपली टेक्स्ट में अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जिस पे आपका जीमेल अकाउंट होगा वही यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है। और सबमिट कर देना है। मुझे कोड आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और मुझे कोड आ चुका है। और सबमिट कर दूंगा और देख सकते हैं मेरा चैनल जो के मतलब यहाँ पे इस ये वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी और हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आपका चैनल यहाँ से वेरीफाई टिक का आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं इसको आप देख सकते हैं, पर ये अभी कुछ भी हम एनेबल नहीं करेंगे। पहले जब 2016 में मोनेटाइजेशन अनेबल होती थी, ठीक है, अब ये अनेबल नहीं होती, तो इसका आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद।
तो अपलोड डिफॉल्ट्स में चले जाना है। तो आपको स्लो स्लो सब समझा देता हूँ। ये पब्लिक आपने यहाँ पे पब्लिक रहने देना है, चूज अ कैटेगरी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप जो के वीडियोस है वो किस टाइप की बनाते हैं। जैसे कि मैंने एजुकेशन सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर एंटरटेनमेंट करते हैं, गेमिंग करते हैं, उसके अलावा म्यूजिक है, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे है, पीपल एंड ब्लॉग्स, मतलब अगर आप व्लॉग्स वगैरह या आपकी रूटीन की वीडियोस हैं कुछ नॉर्मल, तो पीपल एंड ब्लॉग्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गैजेट्स के रिव्यू करते हैं तो आप वो करना चाहते हैं, तो ये स्पोर्ट्स, ये तो कॉमेडी, फनी वीडियोस के लिए कॉमेडी का हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक टेक चैनल है, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेंगे। और लाइसेंस आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहने देंगे। उसके अलावा टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स में कुछ नहीं लिखना, ये बात का जब वीडियो अपलोड होती है तब ऑटोमेटिकली लिख देते हैं। वीडियो लैंग्वेज आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा आप यहाँ पे इसको नहीं कुछ करेंगे, इसको भी नहीं। उसके अलावा वीडियो लोकेशन अपनी यहाँ पे सेट कर लें, जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में यहाँ पे सर्च करूँगा। मैं जब सर्च करूंगा पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा इंडिया है या कोई और कंट्री है, तो आपने वही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद आपने ऊपर आना है, ये सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये नहीं, ये हमारे कोई काम का नहीं। ब्रांडिंग पे आ जाते हैं फिलहाल, ठीक है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग वाटरमार्क होता है। यहाँ पे हमने PNG का जो होगा फॉर्मेट, उसकी इमेज आपने यहाँ पे वाटरमार्क करनी है, मतलब कि यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ इसके लिए हम ज़्यादातर सब्सक्राइब आप गूगल पे लिखेंगे। देखिए मैंने पहले ही लिखा हुआ है, मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब PNG। लिखेंगे आप, इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ से आप कुछ भी, कोई भी बटन आपको जो पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेरी वीडियो में कॉर्नर में एक ऐसा बटन, ऐसी ऑप्शन दिख रहा होगा, जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर सब्सक्राइब का दिखेगा कि आप यहाँ से सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। तो ये सिंपली उसी के लिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बटन लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा देते हैं। तो आपने सिंपली गूगल पे जाके PNG की किसी भी फाइल को, उसके अलावा आप अपना भी क्रिएट कुछ भी कर सकते हैं, पर वो PNG का फॉर्मेट मस्ट होना चाहिए। तो इसको, इमेज को मैं सेव करूँगा और यूट्यूब पे आऊँगा और यहाँ पे सिंपली इसको अपलोड कर दूँगा और सेव कर दूँगा। फिर से सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे और अब ये आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने डिस्प्ले टाइम यहाँ पे जाके एंटायर वीडियो पे क्लिक करना है और अपडेट कर देना है। ऐसे हम क्लोज कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन। उसके बाद एडवांस्ड में आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट कंट्री, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली हो चुकी है, तो लिंक एडवर्ड अकाउंट्स, ओके। तो एडवर्ड अकाउंट से जो हमने लिंकिंग करनी है वो हम बाद में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं आप। तो लिंक एडवर्ड अकाउंट आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आपने इस पे आके राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है। ओके, तो थोड़ी सी चेंजिंग आई है, तो स्किप दिस, स्किप द गाइड स्टेप हम कर देंगे, अ न्यू वर्जन देखा। तो ओके, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अपना ईमेल आपने यही रहने देना है, कंट्री पाकिस्तान सब। और उसके बाद यहाँ पे करेंसी है जो, वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। USD भी आप रख सकते हैं, US डॉलर भी रख लें, वो भी ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे गूगल एडवर्ड्स के अकाउंट से के साथ लिंकिंग हो गई, जिसमें आगे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी नेक्स्ट जब यूट्यूब की SEO के ट्यूटोरियल्स वगैरह मैं अपलोड करूँगा तो उसमें।
ओके, तो एडवर्ड्स ने कुछ अपनी अपडेट्स कर दी हैं यहाँ पे, तो पहले ऐसे नहीं आता था। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इसको आपने कॉपी करना है। सिंपली यहाँ पे आप जब कॉपी करेंगे और यूट्यूब पे जाएंगे और पेस्ट द कस्टमर आईडी इन बॉक्स, इस पे हम पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एडवर्ड का नेम अपने अकाउंट से ही रखेंगे, टैग 28, ठीक है। तो फिनिश करेंगे और आपका जो लिंक है वो एडवर्ड से हो जाएगा, ये ख्याल लिंक, और लिंक आपका हो गया। तो सिंपली आप अपनी, अगर आपकी इसी नाम से कोई वेबसाइट है अगर आपकी, तो आप उसका लिंक यहाँ पे ऐड करके अपनी वेबसाइट को भी अपने चैनल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका चैनल रिकमेंडेशंस हैं उसको आप अलाउ और डोंट अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद अपने सब्सक्राइबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और डोंट डिस्प्ले भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये कोई इतनी खास नहीं। तो उसके ये करने के बाद आपने सेव कर देना सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद कम से कम हर चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। ये हमारे फिलहाल अभी काम का नहीं। एनालिटिक्स जो होती है ये हमारे चैनल की होती है। हम अभी तो हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, तो इसलिए यहाँ पे नहीं शो होगा, ठीक है। तो नीचे सब ये बात की बातें हैं। ओके, तो चैनल पे आ जाना है। उसके अलावा आपको मैं न्यू, जो देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन पहले ऑप्शन जो है वो शो होता था, तो हम देखें हम यहाँ मोनेटाइजेशन पे आएंगे। अगर मोनेटाइजेशन ही चलेगी तो हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग होगी तो हमें पैसे मिलेंगे, एनेबल कर देना है। उसके बाद ये देखें, ये न्यू इनकी प्राइ जो लॉन्च हुई है यूट्यूब ने, के 10,000 व्यूज लाजमी करने हैं, तो ये पढ़ भी सकते हैं आप। उसके अलावा आपको मैं सिंपली वे में बता दूं कि 10,000 व्यू आपके वीडियो पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने 10 वीडियोस अपलोड की, उसको अगर उसका व्यू जो प्लस करके सबका मतलब 10,000 हो जाता है, 1,000 सब पे व्यू है तो वो 10,000 हो जाता है, तो आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो उसी वक्त ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 10,000 व्यू करने हैं तो 10,000 व्यू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने टॉपिक अच्छे सेलेक्ट करने हैं, उन पे वीडियो रोज़ाना के रोज़ाना अपलोड करनी है। तो वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में दूंगा, फिलहाल हम चैनल को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं, एग्रीमेंट इस पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट कर देना है यहाँ पे, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ओके, तो लोडिंग हो रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, अपने चैनल पे क्रिएट करना है हमने, और ये हमारा गूगल एडसेंस का अकाउंट आ जाएगा। तो हम ये क्रिएट करेंगे यहाँ पे गूगल एडसेंस, जहाँ से हमारे जो चैनल पे एड्स आती होती हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, चेक मोर एडसेंस। ओके, ठीक है। गेट मोर आउट फॉर एडसेंस, यहाँ पे हम नो कर देंगे। यहाँ पे हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे, नीचे आएंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो आपका एडसेंस का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, उसके बाद हम गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये आपके एड्रेस सॉरी ये आपका एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बाद का काम है। तो हम फिर से इसको बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे, और यूट्यूब को ओपन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका जो चैनल की सेटिंग्स हैं वो तमाम क्लियर हो जाएंगी। तो जब आपने वीडियोस यहाँ पे अपलोड करनी है और 10,000 व्यू आपके हो जाएंगे,
उसके बाद ही आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होगी। तो वो जब 10,000 व्यू आपके होंगे उसके बाद प्रोसेस होगा, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने मोनेटाइजेशन ऑन करनी है, ठीक है। तो चैनल आपने ऐसे ही क्रिएट करना है, और चैनल क्रिएट करने के बाद आपने वीडियोस को कैसे अपलोड करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।